नमस्कार, मैं अर्चना ठाकुर कक्षा 8वीं के लिए आज फिर ऑनलाइन कक्षा में हमारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम कल भी जुड़े थे साथ, तो हमने एक पहली कविता ली थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कि हमने पहले तीन पैराग्राफ जो थे वो हमने उनका व्याख्यान विधि के द्वारा हमने आपको समझाया था, और आगे की तीन और जो पैराग्राफ हैं अभी बचे हुए हैं तो मैंने आपको बताया था। शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक सुंदर कविता है जिसमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया गया है कि पंछी के माध्यम से कोई भी इंसान है, प्राणी है, अगर वो जंजीरों में बंद है, बंधन में है, पिंजरे में बंद है, या किसी तरह का और उस पर बंदिश है जो उसकी स्वतंत्रता में बाधक हो रही है, तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता जो है हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कल मैंने आपसे ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिया था कि स्वतंत्रता हमें पक्षियों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस विषय पर आप लोगों ने, आई होप कि आपने काम किया होगा और वो असाइनमेंट में अपने विचार व्यक्त किए होंगे ज़रूर। तो आगे का हम शुरू करते हैं। जो फोर्थ पैराग्राफ था हमारा, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल झुकते तारक अनार के दाने। अब इसमें शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि बंदिश में होने से पहले, पिंजरे में बंद होने से पहले जो पक्षी हैं उनके बहुत अरमान होते हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत सपने होते हैं अपनी लंबी उड़ान भरने के लिए। वो चाहते हैं कि वो निरंतर गतिशील रहें, निरंतर उड़ते ही चले जाएं और आसमान की ऊंचाइयों को छू लें, और इतनी दूरी तक उड़ते चले जाएं कि जो आसमान में तारे हैं उनको अनार के दानों की तरह चुग लें। ये उनका स्वप्न है, ऐसी कल्पना वो करते हैं, यानी कि उड़ान उन्हें इतनी पसंद है कि उसके लिए वो हर एक बाधा को स्वीकार करते हैं, हर एक चीज़ को, हर एक जोखिम को उठाने के लिए वो तैयार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उड़ान उनका जो स्वप्न है, उस उड़ान में हमें किसी, यानी कि मानव जाति को किसी तरह का विघ्न नहीं डालना चाहिए। चलिए आगे चलते हम। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। अब इसमें क्या कहते हैं कवि, क्षितिज जैसे कि हम जानते हैं क्षितिज होता है जहाँ धरती और आसमान मिलता हुआ दिखाई दे। कहीं प्लेन एरिया में हम जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, हम देखते हैं दूर से देखने पर जो है जो धरती और आसमान हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। नज़दीक जाने पर ऐसा नहीं होता है, उससे आगे और ऐसी ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो पंछी चाहते हैं कि जब वो उड़ान भरते हैं तो इतनी दूर तक उड़ते चले जाएं, क्षितिज तक उड़ते जाए चले जाएं, या तो फिर अगर वहाँ क्षितिज नहीं है तो वो अपनी अंतिम सांस तक निरंतर उड़ते ही चले जाएं, दूर तक उड़ते चले जाएं, क्योंकि यही उनकी इच्छा है, यही उनका स्वप्न है, और इस तरह की प्रतियोगिता का आनंद उठाएं और एक दूसरे के, दूसरे पक्षियों के साथ वो इस तरह का जो है अपनी उड़ान का जो उनका स्वप्न है उसको आगे लेकर निकल जाएं। नीर न दो चाहे टहनी का, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, नीर यानी कि घोंसला, नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघड़ न डालो। अब इसमें कभी कहते हैं कि पक्षियों की यह अभिलाषा है, इच्छा है कि हमें चाहे रहने के लिए घोंसला भी मत दो, घोंसला बनाने के लिए टहनी तक मत दो, शाखा तक मत दो, और हमारे जो बने हुए घोंसले उन्हें भी आप तोड़ फोड़ डालो, छिन भिन कर डालो, नष्ट कर दो उनको, लेकिन बस एक शर्त पर वो ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि उनकी जो उड़ान है, ईश्वर ने जो उन्हें, प्रकृति ने उन्हें जो ये पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उसमें उनकी उस व्याकुल उड़ान में किसी तरह का जो विघ्न है, किसी तरह की बाधा जो है, कठिनाई जो है वो उत्पन्न ना हो, क्योंकि उड़ान जो है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता से वो उन्मुक्त गगन में, ऊँचे आकाश में उड़ना चाहते हैं,
और यही इसके लिए वो सभी तरह के दुखों को झेलने के तैयार हैं। अपनी उड़ान को पाने के लिए हर तरह के दुख को स्वीकार करते हैं और हर हालत में वो अपने पंखों का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। तो ओवरऑल इस कविता का यही तात्पर्य है कि स्वतंत्रता हर किसी का अधिकार है, उसे पाने के लिए व्यक्ति हर हद तक चला जाता है, चाहे पंछी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो। तो स्वतंत्रता से जीने का हर किसी को अधिकार है, हमें किसी की स्वतंत्रता को छीनने का कोई अधिकार नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें से कुछ शब्द आए हैं पूरी कविता में, आप थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे गगन है, पंछी है, जल, तरु, स्वर्ण और किरण। इन 6 शब्दों के आप लोगों ने 2-2 पर्यायवाची असाइनमेंट रूप में लिखने हैं। और एक और छोटा सा असाइनमेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद रूप में लिखना है छोटा सा आपने, 100 शब्दों तक। और इसमें मैं 2 आपको ये शीर्षक दे रही हूँ, दोनों में से कोई एक आप चूज करके अपने शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति यहाँ दे सकते हैं। काश मैं पंछी होता अथवा स्वतंत्रता का महत्व, इन 2 में से चॉइस दे रही हूँ, दोनों में से आपने किसी एक पर एक लघु अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। और आगे एक और विषय पर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।